Yeah.
कवि जी यह लाइन लिख डाले हैं। क्या लिखे हैं? जान वीर देने से ना डरते हैं, मौत का दावत देकर के समर में लड़ते हैं। आह 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 कभी आह तक ना करते हैं। कहानी की शुरुआत हो गई, कहानी पाक होने समय के बहादुर बिरहा के अंदर जौहरी छंद के अंदाज लग गई। बड़ा दिक्कत हो जाई तो के पीछे का आदत है। एक बार छवाई बड़ा महंगा है। कर वो बेचारा मोहल्ले जाम पीटेला। नया व्यवस्था कर दो। नया देख लो तो क्या मिर्गी आवेला। तू खाली आग लगावे लो झूठो के ना हो। इतना भैया लो बैठल बनी। महाभारत की बातें आप सुने हैं। महाभारत की लड़ाई हो चुकी है। हस्तिनापुर के राजा धर्मराज जी को बनाया जा रहा था। अब तब तक ले अर्जुन जी अइलन उनके मंजूर ना हो। कलन भैया आप तभी राजा बनिएगा जब मेरी बातें आप सुनिएगा। तब इच्छा है मेरा कि राजा बनने से पहले एक घोड़ा छोड़ा जाए और चारों तरफ ऐलान किया जाए कि जो अर्जुन जी के घोड़ा को पकड़ेगा उसके साथ अर्जुन लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई में जो जीती वो घोड़ा लेके जाई ना तो अर्जुन जी रेल के मोई है। अच्छा तो हस्तिनापुर के राजा बने से पहले धर्मराज जी के एगो घोड़ा छोड़ल गई। चारों तरफ ऐलान कर गई कि अर्जुन जी के चैलेंज जे घोड़ा के पकड़ी ओकरे संगे अर्जुन लड़ाई लड़ी हो। लड़ाई के मैदान में जे जंगी घोड़ा जीती उ लेके जाई आ ना त अर्जुन जी रेल के मोई हो। घोड़ा जब छूटल घोड़ा लगल भागे। भागत 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 घोड़ा जाना तरी कहाँ गई? कंचनपुर में पहुंचा। आज जब कंचनपुर में पहुंचा हेलो हेलो तोरा झंझनाए ना भैया। जब कंचनपुर में घोड़ा पहुंचा है वहाँ के जब मर्द सुने हैं कि अर्जुन जी ने चैलेंज किया है कि जो घोड़ा को पकड़ेगा उसके साथ अर्जुन लड़ाई लड़ेंगे। बड़े बड़े वीर मैदान छोड़ दे लोग। इतना बड़े बड़े वीर जो बा अर्जुन के नाम सुन के पेशाब कर दी हमार। ये रिक्शा हम ना ले डर से अर्जुन जी के नाम सुन के कितना वीर मैदान छोड़ दे। लेकिन जानते हैं बहादुरों के बहादुरी का काम कौन किया? कंचनपुर के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था प्रमिला।
सुनलस के अर्जुन जी घोड़ा छोड़ले बड़न चारों तरफ चैले निकले बड़न कि जे घोड़ावा के पकड़ी ओकरे संगे अर्जुन लड़ाई लड़ी हम थोड़ा सा भी हिचक नहीं है मन में जानकी परवाह नहीं करती है पहले जाय के लप्पे से घोड़ा के पकड़ लिया अब पकड़ के लिया के चौर के बांध लिया लियाई के चौर के बांध इंतजार करती है कि अर्जुन जी कब आवे लो इन देह तोड़त जब अर्जुन जी पहुंचल हम घोड़ा के देखलन कि एगो पेड़ में बन्हाइल बा चारों तरफ नजर दौड़ावे लगल हमारा घोड़ा के पकड़े वाला कौन माई के लाले धरती पर पैदा हो गए चारों तरफ नजर दौड़ावे थे अर्जुन तोहरा घोड़ा के कोनो मर्द कोनो वीर पहलवान ना तोहरा घोड़ा के हम पकड़ ले बनी लड़ाई होई तो हमारे सात आर पार के लड़ाई होई लड़ाई के मैदान में हमरो एगो चैलेंज हो घोड़ा तबे तू लेके जइबो जब लड़ाई के मैदान में जीतबो जीतबा घोड़ा लेके जइह अगर बाई चांस हारी गइल तो हमरो चैलेंज हो जैसे तोहरा घोड़ा के निहुरवले बनी तोहरो के निहुराई निहुराई का सताई सताई के मतलब माने मोहर मारो अर्जुन जी कलन है महाभारत के लड़ाई में अर्जुन के खाली नाम सुन के कतना लोग मैदान छोड़ दे टिटिहरी ऐसा देह ले ले आज जात के मेहरारू एक ही पता ना हो कि महाभारत वाला अर्जुन एक सामने खड़ा हो अर्जुन जी धीरे धीरे सुन के लगल तो कवि जी विराह में गीत लिखल बहादुर सेज नहीं है, और औरतों के हाथ में चूड़ियां अच्छी लगती है तलवार नहीं ये लड़ाई का मैदान यहाँ मर्दों की जरूरत है औरतों की नहीं प्रमिला कलश की सुना अपने आप के ज्यादा मर्द मत बनो आज लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिए आए हो तो आओ इस प्रमिला के साथ लड़ाई लड़ो अगर लड़ाई में हार गए तो मैं समझ जाऊंगी कि तेरे अंदर कुवत नहीं है तब लिखते हैं कवि जी का चाय के चुनरिया
मरलन अर्जुन जी, लड़की महाभारत की लड़ाई अभी नहीं देखी है, तेरे सामने कोई साधारण वीर नहीं, महाभारत वाला अर्जुन खड़ा है, आओ हमारे साथ लड़ाई लड़ो। कलश की हिम्मत जनिया की मेहरारू जान के तो उसे दब जाई, आओ लड़ाई हो तैयार, पार के लड़ाई हो, तोरे जांघी में कुबत होक है, आओ हमसे लड़ाई लड़ो। काहे सूत गईला, आओ यह कहीं का अर्जुन। अर्जुन जब इतना बात सुनलन और ही लाल हो गए, जब लाल भेलन तो कवि जी भी हम गीत बदललन बाबू। तो के रोज समझाई ला मास्टर कि शेर कतनो बुढ़ाई जब खाई तो माँ से खाई, शेर कबो घास ना खाई। बाहर शेर नहीं बाहर, वही में के शेरनी मुरा मीरा मूर्ति है ये। मत समझिए कि नहीं ये खाली पत्ती चढ़ाऊंगी ते खाली तोड़ दी। ढोल से भैया कभी जी हमारे बिरह के लाई लिखल, अरे बड़े बड़े बीरावल के, बड़े बड़े बीरावल के बिगड़ल सब प्रमिला कहती है मौका शब्द से संबोधित करती है कि अर्जुन जी आप मर्द नहीं मौके हो। उस दिन तुम्हारी वीरताई कहां थी, भरी समाज में द्रौपदी का चीर वह दुशासन खींच रहा था, कहलो पांचों जना कपर छिल्लू पाड़े लो, कहलो पांचों जना द्रौपदी के इज्जत के तमाशा देखत रहे, विराटपुर में जाए के विराट राजा के घरे लोग बतावे लन कि भीम जी के 60,000 हाथी के बोल रहे, उजाई के जोन बार रसोई बनावत रहो, आ तू अर्जुन जी बड़का बाप पर धेनु धारी समझत रहो, तू जाए के बृहनाला के काम करत रहो। बृहनाला, बृहनाला के मतलब है बाबा बीच वाला, बृहनाला के मतलब छक्का के काम, अपने आप के मर्द बनो तो तू जाए के जाऊ है ताली बजाई बजाए समझ गए अर्जुन की हो खेती मुक्की मुंह बा लेकिन बहुत ज्यादा बोलो थे। तो कभी जी लिखल का बात, यह औरत क्या कह जाती है, नारी को मारना पाप मगर घर से
अपना ऐसे बाढ़ मारब की जिंदगी भर याद रही। के बाढ़ जब अर्जुन जी चल हम मारे खाती प्रमिला के तो कवि जी बिरहा में गीत लिखल ऊपर ताकल कर देखलस की भौजी के मन बड़ा पितरात भाई बड़न बाहर आई जब न तब चूली के माटी कोड़ कोड़ खाती है मैं चूली घसाई दिल अच्छा तो ओकर चाल कैसन लगलात चूली के माटी मैं भसाई दिल अच्छा तो थुक थुकी बरे ला कैसे कैसे ऐसे भाई भाई थुके ला तो कोई के कपड़ा पर मत थुक दिया बेचारी के दर्द बर्दाश्त ना भाई फोन लगौलस होई फोने में अपने भाई से कहलस का कहे Thank you.
सेना से कही दो कि लड़े जो भरी के ले जाए घोड़ावा समर जीत करके रावण बढ़ाईबा बचना पैमा हो जाइबा ढेर हो समनावा दिलेर हो समनावा बनावा मारा ये अर्जुन करम मत देर हो आदेश मेरा उठाओ मार और बाण मार करके मेरे शरीर को छेदे छेद कर डालो उठाओ ला हम अर्जुन जी बाण आज जब दोनों तरफ से बाण के रेला रैली होके लगल तो कवि जी मास्टर साहब कहल आदमी कि जब धीरे धीरे लड़त लड़त शरीर जब गरमा जले जब तक ले नीचे का पसीना ऊपर ना चढ़े लगे आ ऊपर का पसीना जब तक ले नीचे ना भर के लगे तो फिर गवला का मतलब ना रह जाए तो कवि जी वैसे गीत लिख दिया देखा हम रोज बताई ना हो आज पहल की दूसर की तीसर की संगत हो केकरा से यही मास्टर से अच्छा हमेशा बताई ला कि मीरा मूर्ति के चढ़े उतरे वाली आदत नहीं अरे वाह पहला नंबर तो मीरा जल्दी चढ़े ली ना चढ़े ली तो उतरे का आदत नहीं तो का करबो उनकर जान लेबो का अरे बाप रे बाप हे बेचारा के कहिता तो मनबो कर उनकर जान कोई ले ली सवाले पैदा ना अरे चकुनी हाथे हो पहले के जमाना में जब मर्द मर्द के मुकाबला होखे तो स्वर्गीय रामदेव गुरु जी हम लोग देखल कि सुनले वाली लोग बतावे लोग कि वीर उसके गैया रहे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अरे बुल्लू गुरु जी वहाँ के हास रस के कलाकार रहे दोनों गवैयन के अलग अलग क्वालिटी रहे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी कैसे गाई मास्टर तभी और पढ़ो छुआई के हटा ली कैसे छुआई अरे ऐसे छुआ दिया बुढ़ऊ तो क्या आज हम ज्यादा बूढ़ लगत ली अभी यही शरीर पर भी कतना लोगन के देखल जाये स्टील बॉडी हो कतना जीजा पैदा हो गए ने उम्र में तू बात बतिया अभी कतना ही शरीर देख के भड़कत अभी स्टील बॉडी अभी ऐसा ही चली शरीर जब मीरा मूर्ति के देखब ऐसने देखब दस साल के बाद देखब ऐसने मिलल घी डाल हो भैया धुन से बढ़िया कवि जी बिरहा के लाइन लिखल मूर्छित हुए पार्थ धेनुधारी
अर्जुन जी खूब रेलत हवन बा। अरे कहीं बाण उठाई के प्रमिला माता रानी जगत जननी को याद करती है। आज जब बाण छोड़ला है लगल अर्जुन जी के तुरंत मूर्छित हो गए। जगावत आए बाबू लड़ाई के मैदान हो ये भूल के सेज ना है ना है पानी बगल में रखल नेत्र धोल उठ 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 ऐसा ही थुथुन मत लटका ना। लड़ाई के मैदान हाव हमसे लड़ाई लड़ो लेकिन अर्जुन जी मूर्छित पड़े हुए हैं जमीन पर। बार बार आवाज देती है प्रमिला। जब कुछ देर के बाद अर्जुन जी के मूर्छा टूटल अपने हाथ के निहत्था पवल। अरे अपने आप के निहत्था पवल सोचने पर अर्जुन जी मजबूर है। फिर भी कहेला आदमी की रसरी जर गई लेकिन अठन एक बाण बचल। सोचा तरन के बाण के प्रयोग महाभारत के लड़ाई में बिना भइल। आज इसी बाण का प्रयोग करूंगा और इसी बाण से प्रमिला का नामो निशान उठाऊंगा। उठाए के अर्जुन जी क्रोधित होकर के वह बाण का प्रयोग करने लगे। समझ गई प्रमिला के ऐसे मानेंगे नहीं। उसी माता रानी के ध्यान लगाती है जिस माता रानी के सहारे प्रमिला लड़ाई लड़ रही थी। जब मरला हम बाण तो जगत जननी की याद कैलस आई याद कही के जब बाण के जवाब बाण से दिलस दोनों बड़वा लड़ के खंडित हो गए। जमीन पर गिर जाता है निहत्थे हो जाते हैं। बगल में दुनिया के मालिक कृष्ण भगवान खड़े थे। कहलन का हो अर्जुन तो के मना कर तुरिया ना मल्ल लेकिन अभी उस समय में संभल जा। वाह वाह अभी भी समय है संभल जाओ। वाह जिस लड़की के साथ लड़ने के लिए आए हो यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। प्रमिला चंडी का अवतार है। वाह वाह बड़े बड़े वीर इसके सामने नहीं टिके तो तुम किस खेत की मुल्ली हो। अगर जीना चाहते हो नाम बचाना चाहते हो तो जाओ और जा करके प्रमिला के पैर पकड़ करके माता शब्द कह करके संबोधित करो। तब अर्जुन जी कैलन का अल्लाह का लाइन लिखल गई थी। कृष्ण भगवान की बातें मान करके प्रमिला का पैर पकड़ते हैं और माता शब्द कह करके संबोधित अर्जुन जी करते हैं कि माँ मैं तो अहंकार में घमंड में इतना चूर था कि बहुत बड़ा भूल हो गई हमसे। आपसे लड़ करके जीत के रूप में यह घोड़ा लेकर के जाने वाला था लेकिन लड़ाई के मैदान में आपसे जीत नहीं पाया। इस बेटा के गलती को आप क्षमा कीजिए। आज उन घोड़ा बांध के रखले बड़ू एक घोड़ा के हमके दान के रूप में दे दू। कहला आदमी की गलती करे वाला से बड़ महान व्यक्ति गलती के क्षमा करे वाला होलो। अर्जुन जी जब माता शब्द कह करके संबोधित किए प्रमिला को तो बेटा समझ करके अर्जुन की सारी गलती को माफ कर दी है और घोड़ावा के खोल के अर्जुन जी के हाथ में पकड़ा दे। जब अर्जुन जी घोड़ा लेके गए हन हस्तिनापुर में तो प्रमाण बतावल गई कि घोड़ा जब गई तो हस्तिनापुर के राजा उसी वक्त धर्मराज जी को बनाया गया। कवि का संकेत विरह के आखिरी भाव बना समा
रहती जाए हमनी के ले भी थी किलो पार पैबा ना समनावा जहनवा में ना लेकिन आपका क्वालिटी खुद अपने बल पर आप गा रहे हैं अब बोललो के बाद ओहि तरफ सूरा छापो था आईगु तो एगु न जा बिरह सुने वाला भैया लो हमरे बिरह से यही सीख मिलता ए धरती पर जब जब अर्जुन के घमंड भइल तब तब अर्जुन के घमंड टूटल इस धरती पे किसी इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए कब इंसान की जिंदगी करवट ली कोई जानत नहीं खेल कब के करे नसीब में का लिखल हो कोई के जानकारी ना गीत के आखिरी भाव आइए